अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, औज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे शरफ़ शम्स के बारे में, एग्जालेशन ऑफ सन, सूर्य जब अपने उच्च के खाने में होता है तो क्या होता है, कौन से हरूफ होते हैं जहाँ पे सूर्य को उच्च हासिल होता है, कौन से हरूफ हैं जहाँ पे सूरज को, शम्स को शरफ़ या कुव्वत व ताकत हासिल होती है। तो मैंने पहले भी कहा था कि सूरज जब नौरोज़ के दिन शुरू होता है तो वो ज़ीरो से शुरू होता है और तकरीबन ये 13.5 दिन जो होता है ये अलिफ होता है, और जो बिल्कुल टॉप यानि पीक ऑफ द एग्जालेशन जो होती है वो बा के साथ होता है यानि अलिफ बा। तो 13.5 दिन जो बा के होते हैं इसमें आप लोग बा पे रियाजत कर सकते हैं और बा की रियाजत से बेशुमार फवायद आप हासिल कर सकते हैं। बा पे अगर आप रियाजत करते हैं तो बहुत सारे अस्मा बा के साथ हैं, जैसे या बाकी या बासित, ये बा के साथ हैं। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह तौबा के सिवा तमाम सूरतों में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आई है तो उसमें भी बा शुरू में है। अगर कोई बा के साथ रियाजत करता है, एग्जालेशन ऑफ सन के दौरान 13.5 दिन के अंदर बकाया जो दिन है तो उसको तसर्रुफ़ हासिल हो जाता है इस पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम मसाइल का हल है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चाबी है खोलने की, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बासित या बाकी या बरहतिया, सूरह ये दुआए बरहतिया का इस्म आदम है, या बजल या बरशान या बिकहतूनियत या दूसरे अस्मा जो बा के साथ हैं चाहे किसी भी ज़बान में हों वो सब तसर्रुफ में आ जाता है अगर कोई इसको पढ़ता है, और इसको बा मौकिल पढ़ने से जो है ज़्यादा जल्दी जो है तसर्रुफात हासिल होते हैं। तो शरफ जो होगा वो बा पे होगा। अब शम्स के कौन से हरूफ हैं अबजद शम्सी में, तो पहला हरफ शीन है जो कि आतशी है, दूसरा हरफ स्वाद है जो खाकी है, और तीसरा हरफ ज़ाद है जो कि बादी है, और चौथा हरफ त्वा है, त्वा ये जो है आबी है। तो हर आदमी अपने लिहाज से यानि जिनके खाकी नाम है वो भी इस दौरान अमल कर सकता है, आबी नाम
जिसके हरूफ हों वो भी कर सकता है, इससे जल्दी से उनके तसर्रुफात हासिल होंगे। और बादी भी इसको कर सकता है। तो इस दौरान अगर कोई या बासित को पढ़ता है तो भी हर किस्म की बंदश, जिस किस्म की भी आप लोग बंदश समझते हैं, आपको मालूम है या ना मालूम है, आपको नज़र आ रहा है या नज़र नहीं आ रहा है, हर किस्म की बंदश को खोलने के लिए जो है या बासित का वर्द किया जाता है। वो आयतें जो या बासित के साथ हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और हिफाजत के लिए आप लोग सूरह कहफ में जहाँ पे जिस आयत का तर्जुमा है कि कुत्ता अपने बाजू जो है फैलाए बैठा है, उस आयत को आप ले सकते हैं। और जब आप लोगों को बासित या बा पे रियाजत हो या बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पे रियाजत हो, तो उसके बाद क्योंकि बा आपके तसर्रुफ में आ जाती है, तो आप लोग कभी भी आप लोग जो है हिफाजत के लिए सूरह कहफ की उस आयत को लिख सकते हैं, लिख के रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और किसी मरीज़ को दे सकते हैं। इससे क्या होगी कि जादू जिनात या आसीबी असरात जो भी होंगे वो रफू चक्कर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कहफ कितमीर जो वहाँ पे जिस कुत्ते का ज़िक्र आया है उसकी जो है ड्यूटी लग जाती है। लेकिन इसमें आप लोगों को नियाज़ असहाब कहफ और कितमीर का के खाने का बंदोबस्त करना होता है, यानी कम अज़ कम कुछ ना कुछ कितमीर के लिए आप लोग ऐसी चीज़ें इंतखाब करेंगे जो कि उलमा ने कुतुब में लिखी हुई हैं, जिसमें गोश्त भी शामिल है, वो आप कुत्तों को दे के आएँगे, कुत्तों को खिलाएंगे, तो आप लोगों की जो बंदशें होंगी, आप लोगों की जो रुकावटें होंगी, आप लोगों के ऊपर जो जादू होगा, जो जिनाती असरात होंगे, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह रिज़्क की कुशादगी के लिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ेगा या बासित को पढ़ेगा। और इसमें थोड़ा सा दौरान अमल, जब आमिल अमल कर लेगा बा का, तो जब वो पढ़ेगा तो उसमें बेहरमत मोहम्मद आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम पढ़ेगा। बा मोकल पढ़ने के बाद आखिर में बेहरमत मोहम्मद आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम अजमैन पढ़ेगा। और अगर वो या बासित से फ़ायदा हासिल करना चाहता है, बासित या बासित की नूरानियत से वो इस्तफादा करना चाहता है, तो फिर बेहरमत हुसैन सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ेगा। तो उससे जल्दी आप लोगों की अजाबत दुआ और कबूलियत दुआ होगी और आप लोगों की हाजात बढ़ाएंगी। तो कहने का मकसद ये है कि तीन हरूफ हैं जो कि जहाँ पे सन को एग्जालेशन होती है, और इन तीन हरूफ में अलिफ़ का जो टाइम है वह अभी गुज़रने वाला है, उसके बाद बा है 13.5 दिन उसके होंगे, उसी में ही सबसे ज़्यादा ताकतवर शरफ होता है, इसी में ही आप लोग जो हैं अगर रियाजत करते हैं बा की, तो बा की बरकत जो हैं आप लोगों पे वाज़े हो जाएंगे। या बाकी पढ़ेंगे तो
तो भी आप लोगों को बरकतें होंगी, आप लोगों को इमराज से निजात मिलेगी, आप लोगों को कुव्वत हासिल होगी। और ये हज़रत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मामूलात में था, आप क्योंकि कुश्ती या पहलवानी या कुव्वत ज़ोर में मशहूर थे और आपको किसी ने आपके पीठ को खम नहीं किया था, तो अगर किसी ने आपकी पीठ को खम नहीं किया था तो इसकी जब सबब पूछा गया आपसे, तो आप अलैहिस्सलाम आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यानी हज़रत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लोगों को बताया कि ये जो है बरकत या बाकी के पढ़ने की वजह से है। तो बेशुमार अस्मा हैं, आपकी बंदशें, रुकावटें, आपकी परेशानियां इससे निकल जाएंगी, टूट जाएंगी, लेकिन पढ़ाई के साथ जैसे मैंने कहा कि इसमें सदकात का इंतज़ाम करें और फिर अपने अंसर के मुताबिक उन सदकात को दें। कुछ सदकात पानी में देने पड़ेंगे तो आप पानी में देंगे, और अगर बादी अमल है तो परंदों को खिलाएंगे, और अगर आबी है तो भी आप पानी में डालेंगे, खाकी है तो भी आप परंदों को नहीं बल्कि पानी में डालेंगे। आशी अगर अमल होगा तो आप वो खाने की चीज़ें परंदों को खिलाएंगे, और नियाज मोकलात और दूसरे लोगों को खाना खिलाना ये आप लाजमन करेंगे। इस तरह करने से आप लोगों को इसके तसरफात बरकात आपको हासिल होंगी, लोग आपसे जो है प्यार करेंगे, तस्खीर खल्क होगी, मोहब्बत होगी, और इसका जायका क्योंकि शीरी है तो जो न्याज वगैरह होगी उसमें मीठा रखना पड़ेगा और उसका रंग जर्द होना चाहिए, जैसे जर्दा होता है, जैसे मकई है तो मकई गुड़ या जर्द चावल पीले रंग के, या बूंदी के लड्डू, बूंदी, ये सब चीज़ें जो हैं आप खिला पिला सकते हैं। तो और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तफादा करेंगे, हर किस्म की बंदशें और रुकावटें इससे टूट जाती हैं। खुदा हाफ़िज़।